लैपटॉप्स की तो बहुत बात हो गई, थोड़ी फोन्स की भी बात कर ली जाए। एक फोन बनता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मेल से, और इन दोनों के साथ काम करने की वजह से ही फोन चलता है। अब यही सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड को गूगल बनाता है, और गूगल इसको और नए नए अपडेट्स देकर इसे और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के एंड्रॉयड्स के बारे में, जैसे स्टॉक एंड्रॉयड और कस्टम यूआई। आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, मैं आपको इन दोनों के बीच में फर्क समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा आपके लिए कौन सा अच्छा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक एंड्रॉइड क्या होता है। स्टॉक एंड्रॉइड, जिसे वनीला एंड्रॉइड भी कहा जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंड्रॉइड कहलाता है, यानी 24 कैरेट खरा एंड्रॉइड। इसमें आपको सिर्फ वही एप्स देखने को मिलते हैं जो गूगल ऑफिशियली रिलीज करता है। आपको ईमेल सर्विस के रूप में भी सिर्फ और सिर्फ जीमेल ऐप देखने को मिलता है। आपको ब्राउजर में भी क्रोम ब्राउजर देखने को मिलता है। आपको वीडियो कॉलिंग के लिए भी डुओ देखने को मिलता है। आपको मीटिंग्स के लिए गूगल मीट देखने को मिलता है, और मैप्स के लिए गूगल मैप देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आपको इसमें कोई भी एडिशनल एक्स्ट्रा सर्विस देखने को नहीं मिलती, और ये सही में बहुत अच्छा भी है, क्योंकि गूगल के जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स या गूगल के खुद के ऐप्स हैं वो फार बेटर हैं किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से। जैसे कि जो ब्रांड्स अपने थर्ड पार्टी ब्राउजर और थर्ड पार्टी अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन देने की कोशिश करते हैं, गूगल के ऐप उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और कोई डुप्लीकेट ऐप की उनको ज़रूरत पड़ती भी नहीं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट स्टॉक एंड्रॉयड का यही है कि इसमें आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स, जिन्हें हम प्यार से ब्लोटवेयर भी कहते हैं, और या फिर कोई भी आलतू फालतू ऐप्स आपको देखने को नहीं मिलते। ये स्टॉक एंड्रॉयड को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर यूआई में एक दो को छोड़कर आपको ब्लोटवेयर देखने को मिलता ही मिलता है। और ब्लोटवेयर तो छोड़िए, आपको ब्लोटवेयर के साथ साथ इतने ज़्यादा नोटिफिकेशंस और इरिटेटिंग और गंदी एड्स देखने को मिलती है, जो आपके यूज़र एक्सपीरियंस को बिल्कुल ख़राब कर देती है। इस वजह से लोग स्टॉक एंड्रॉयड को कई बार बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कस्टम यूआई स्किन के ऊपर। अब बात आती है उन ब्रांड्स के बारे में जो अपने फ़ोन स्टॉक एंड्रॉयड के नाम पर बेचते हैं, जैसे मोटरोला, नोकिया, एसूस और माइक्रोमैक्स। आपको एक बात नोटिस होगी, आप जब भी इन फोन की स्पेसिफिकेशंस चेक करेंगे आपको कभी भी स्टॉक एंड्रॉयड खाली लिखा नजर नहीं आएगा, आपको लिखा नजर आएगा नियर स्टॉक एंड्रॉयड। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारे ब्रांड्स कभी भी स्टॉक एंड्रॉयड प्रोवाइड ही नहीं करते। ये आपको अपनी तरफ से दो चार एडिशनल फीचर या फिर दो चार एडिशनल एप्स या सर्विस ऐड करके देंगे, ताकि आपका फोन और ज्यादा यूजफुल हो सके। एक ब्रांड स्टॉक एंड्रॉयड के साथ बहुत सारे कस्टमाइजेशंस करने की कोशिश करता है ताकि उसका फ़ोन और ज़्यादा फीचरफुल हो सके, लेकिन जो बेस है इन फोन्स का वो स्टॉक एंड्रॉयड ही है। इस वजह से ये स्टॉक एंड्रॉयड के नाम से फ़ोन बेचते हैं, लेकिन जो आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी प्रोवाइड करती है, जो है खुद गूगल। आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल के फ़ोन में प्योर स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है। स्टॉक एंड्रॉयड की सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है, लैक ऑफ कस्टमाइजेशंस, और यहाँ पर कस्टम यूआई बहुत आगे निकल जाते हैं स्टॉक एंड्रॉयड से। आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स कस्टम यूआई में देखने को मिल जाएंगे जो स्टॉक एंड्रॉयड में दूर दूर तक देखने को भी नहीं मिलते, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर फीचर हो चुका है आज के टाइम में, वीडियो टूल बॉक्स, स्क्रीन शॉट टूल बॉक्स, स्क्रीन मिररिंग और बहुत सारे टाइप के कस्टमाइजेशन। इस मामले में स्टॉक एंड्रॉयड काफ़ी पीछे रह जाता है। अब कस्टमाइजेशन नहीं होने की वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड स्टॉक एंड्रॉयड को बदल कर बिल्कुल नया एक यूआई बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे ओप्पो का कलर ओएस, वीवो का फन टच ओएस, सैमसंग का वन यूआई और भी बहुत सारे, क्योंकि इनमें आपको कस्टमाइजेशंस देखने को नहीं मिलते। अब कस्टमाइजेशंस की कमी होना तो एक मामूली सा कारण है ब्रांड्स का स्टॉक एंड्रॉयड को यूज़ ना करने का, लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ब्रांड स्टॉक एंड्रॉयड को यूज़ ना करके कस्टम यूआई को यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, और स्टॉक एंड्रॉयड को इतना अच्छा एक्सप्लेन करने के नाम पर मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात,
आप अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ और आप तक और अच्छा कंटेंट पहुँचा सकूँ। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रॉफिट। ब्रांड्स अपने सॉफ्टवेयर से सिर्फ एक ही तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो है उनके सॉफ्टवेयर या उनके फोन में प्री इंस्टॉल्ड एप्स देने, जिसे हम प्यार से ब्लोटवेयर भी कहते हैं। हम सब सोच भी नहीं सकते कि एक ब्रांड को कितना ज्यादा फायदा होता है ये प्री इंस्टॉल्ड एप्स अपने फोन में देने से। और ये सीन हर एक ब्रांड के साथ है, चाहे वो Xiaomi हो, चाहे Oppo हो, चाहे Samsung हो, चाहे Realme हो या फिर चाहे Vivo हो। हर एक ब्रांड के फोन में आपको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एप्स देखने को मिल ही जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे Oppo के फोन्स में आपको Oppo स्टोर देखने को मिलता है, MI के फोन्स में आपको MIUI स्टोर देखने को मिलता है, और कई सारे फोन्स में आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे ब्राउजर्स तक देखने को मिल जाते हैं, जो हर टाइम आपको इरिटेटिंग एड्स शो करते हैं जो आप कभी भी नहीं चाहते, और आपको दिन में 100 नोटिफिकेशंस भेज देते हैं। तो दोस्तों ये सीन था कस्टम UI का। अब कस्टम UI की जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ एक ही खासियत है, वो है कस्टमाइजेशन। आपको MIUI जो बहुत ज़्यादा ब्लोटवेयरफुल होने के लिए माना जाता है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वीडियो टूल बॉक्स, जिसकी मदद से आप YouTube वीडियो को चलाकर स्क्रीन ऑफ कर भी गाने सुन सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो स्टॉक एंड्रॉयड में पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और ओप्पो के फोन्स में आपको एक बहुत अच्छा फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि जेस्चर्स। अगर हम बंद स्क्रीन पर दो उंगलियों से स्वाइप करेंगे तो गाना बंद हो जाएगा, दो उंगलियों को वापस स्वाइप करेंगे तो गाना चालू हो जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा फीचरफुल बनाती है। तो अब सीधा सवाल आता है, आपको क्या लेना चाहिए, स्टॉक एंड्रॉयड या फिर कस्टम UI वाला फोन? तो ये डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर। आपको अगर ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, आप चाहते हैं आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा फीचर रिच हो, तो आप कस्टम UI की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहते हैं, आपको कोई भी फालतू एड्स वेड्स नहीं चाहिए, तो आप स्टॉक एंड्रॉयड की तरफ देख सकते हैं। लेकिन मेरी एक प्रेफरेंस है, आप ऐसे ब्रांड का फ़ोन लेने की कोशिश कीजिए जो आपको स्टॉक एंड्रॉयड जैसा एक्सपीरियंस दे, और उसमें कोई भी थर्ड पार्टी एटसेट्रा ऐप आपको देखने को नहीं मिले। जैसे OnePlus का ऑक्सीजन OS जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारे कस्टमाइजेशन का। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों बस यही वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको स्टॉक एंड्रॉयड लेना चाहिए या फिर कस्टम UI लेना चाहिए, और यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बताया कि स्टॉक एंड्रॉयड असल में होता क्या है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारे के सारे अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिए ताकि मैं अपना कंटेंट और अच्छा इंप्रूव कर सकूं। लेकिन दोस्तों अगर आप बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 60,000 के ऊपर बनी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाले थंबनेल पे क्लिक कीजिए, और अगर आप बेस्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऊपर बनी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस राइट वाले थंबनेल पे क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।